हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैवेल्स CX7 MCB के बारे में। यूरो 2 जो आता है वो इससे थोड़ा महंगा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर वाले बटन से हाथ मिलाइए और घंटा हिला दीजिए, इससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आप लोग इसका बॉक्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे हैवेल्स लिखा है जस्ट उसके ऊपर हैवेल्स का लोगो। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं डिजाइन अप्लाइड फॉर EX7 और यहाँ पे MCB का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, और अगर साइड की बात कर ली जाए दोस्तों तो साइड में देख लीजिए EX7 और ये MCB का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। इस साइड में भी आप लोग देख लीजिए सेम वही चीज़ लिखी है, और ऊपर के साइड में EX7 सिर्फ लिखा है और नीचे की तरफ हैवेल्स EX7 लिखा हुआ है। और दोस्तों पीछे की बात कर ली जाए तो पीछे की तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आइटम नेम MCB और MCB का फुल फॉर्म। ये सिंगल पोल है, इसमें एक पीस की क्वांटिटी है। ये 240 415 वोल्टेज पे वर्क करता है। और अगर इसके एम्पेयर की बात कर ली जाए दोस्तों तो ये C16 है। अगर आप लोग कहेंगे कि ये B16 A16 D16 ये सब क्या होता है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात कर ली जाए दोस्तों तो 20 सितंबर 2021 का ये बना हुआ है। अगर इसके MRP की बात कर ली जाए दोस्तों तो इसकी MRP 227 रुपये है, जबकि अगर आप यूरो की MRP देखेंगे तो यूरो की MRP इससे अधिक होती है। अगले वीडियो में इन दोनों का मैं कंपैरिजन करने वाला हूं कि कौन सी MCB ज़्यादा अच्छी है और कौन सा ज़्यादा महंगा है, ये सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा। यहां पे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग भाई देख सकते हैं और यहां पे हैवेल्स के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल दिया है। दोस्तों यहां पे 2 पॉइंट का कूपन दिया है ही प्लस के लिए, जो खास इलेक्ट्रीशियन भाई के लिए होता है, इसको स्कैन करने पे 2 पॉइंट मिलता है। अभी तो बहुत अच्छा खासा स्कीम चल रहा है ई प्लस पे। दोस्तों एक चीज़ मुझे MCB में नहीं दिखी, इस पर कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, ये नॉन फार गारंटेड है। जबकि यूरो 2 अगर आप लोग देखेंगे तो वो 6 साल के लिए गारंटी देता है। मैं जब अगली वीडियो में दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको ओपन करके आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों इसके अंदर कुछ नहीं है तो इसको साइड में रख देते हैं। साइड से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हैवेल्स का लोगो दिया है, हैवेल्स की ब्रांडिंग है और कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन है जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक बारकोड है, उसके ऊपर एक अंक है। और फ्रंट के साइड में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हैवेल्स EX7। और यहाँ पे दोस्तों ये भी नहीं मेंशन है किस साइड से लाइट आएगा आपका, किस साइड से लोड जाएगा। यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे MCB का जो लोगो होता है वो बनाया हुआ है, ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे वर्क करता है। ये जो हमारे पास MCB है C16 का है। इस साइड में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से, और इसमें कुछ खास नहीं है दोस्तों। पीछे की साइड में आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, इसको आप कुछ इस तरीके से खींच के उसके बाद में MCB बॉक्स में टाइट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।